मेरा तो इस मामले में ये कहना है कि शासन प्रशासन के साथ साथ एक आम नागरिकों को भी ये चाहिए कि वो माँ नर्मदा के पावन तट पर किसी प्रकार की गंदगी करके माँ नर्मदा को प्रदूषित न करें। माँ नर्मदा जीवनदायिनी है, एक अकेली माँ नर्मदा ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह लिए हुए हैं। पूरे विश्व में माँ नर्मदा ही एक ऐसी प्रसिद्ध और पूजनीय नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। वास्तविक परिक्रमा जो पूर्ण करी जाती है वो 3 साल 3 माह 13 दिन की होती है, लेकिन माँ नर्मदा पुराण में ही वर्णित है कि माँ नर्मदा की यदि चैत्र मास में सिर्फ जहाँ जहाँ माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी हुई है वहाँ यदि इनकी परिक्रमा की जाती है तो पूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। हमारी माँ नर्मदा माहिष्मती नगरी से जो उत्तर वाहिनी परिक्रमा की समिति बना करके भाई सुधीर कांसकार जी, भाई राकेश शुक्ला जी ने ये जो कार्य प्रारंभ किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। हमें तो माँ नर्मदा की बहुत छोटी सी सेवा दी जाती है कि जब लोग उत्तर तट से दक्षिण तट से यहाँ उत्तर तट पे आते हैं तो यहाँ जो भी भक्त हैं उनकी सेवा का छोटा सा अवसर दिया जाता है। मैं और मेरे साथ भाई राकेश अग्रवाल जी मधुरम स्वीट्स, हम दोनों यहाँ आपके ग्राम ग्वारी में लोगों की छोटी मोटी सेवा करते हैं और यहाँ से हमको गांव के सरपंच और हमारे उप सरपंच भाई अमित जी का बहुत सहयोग प्राप्त होता है। मैं उन सबको भी आभार व्यक्त करता हूँ। यार जैसा कि ये बात जो हमारे पुराणों में और हमारे संतों के माध्यम से जब हम लोगों को संज्ञान में लाई गई कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी दो ही जगह उत्तर वाहिनी उनका प्रवाह है, एक है तिलकवाड़ा और दूसरा मंडला है। और रहा सवाल क्यों होनी चाहिए, तो हमारा जल जो है वो जीवन है और ख़ासतौर पर नर्मदा जी का जो महत्व है उसके दर्शन मात्र से आदमी कृतज्ञ हो जाता है। और हाँ, ये भी हम जैसे देख रहे हैं कि अब जब यह यात्रा प्रारंभ की गई थी उस भक्तों के बीच में जो था कि ये यात्रा कैसे प्रारंभ होगी, हम आपको इसमें संस्करण मेरे जो दिमाग में है वो जरूर हम भक्तों तक पहुंचाने का आपों के माध्यम से चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत थे कि आप लगाओ तो लगाओ उस ईश्वर से। और जब ईश्वर से लगाओ लगाया गया तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भी माता राम जो है मौसम भी अनुकूल किए हुए हैं। जब हमारी कल यात्रा प्रारंभ हुई उसके पहले से ही शीतल जल की वर्षा हो गई, जैसा कि वर्णित भी है और ये किंवदंती नहीं है, ये सच है कि जब आप निष्ठा से और लगन से और स्वेच्छा से निष्ठा से जब आप काम करेंगे तो देखिए कि आपको प्रकृति भी आपका साथ देती है। प्रकृति हमारी, प्रकृति में जल का बहुत महत्व है और इसलिए जो हमारे 3 साल 3 महीना 13 दिन की जो परिक्रमा निर्धारित की गई है, लेकिन ये चैत्र मास में ही हमारी उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभ होती है। और जैसे ये चैत्र मास प्रारंभ हुआ है विगत 3 वर्षों से आप हम लोग ये प्रारंभ किए हमारी महिष्मती माँ उत्तर वाहिनी समिति के द्वारा, और इस वर्ष और पिछले वर्ष में जब लोग आप लोगों के माध्यम से जब ये संदेश जा रहा है तो हमारे पास है महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात के लोग भी हमारे बीच में आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग भी बीच आए हुए हैं और मंडला के समस्त ग्राम पंचायतों से भी हमारे बीच में कल भक्तों का आना हुआ है। नर्मदे हर, पहले तो बताना चाहूँगा कि क्या है, क्रमिक चीज़ों का सुधार होता है। पिछला वर्ष हमारा पहला अनुभव था जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी ओर से, बाकी प्रत्यक्ष रूप से जो होना होता है वो तो हो ही के रहता है, कुछ हमारी ओर से जो व्यवस्था की दृष्टि से जो चूक हुई थी इस बार हमने सुधारने का प्रयास किया। जैसे तट परिवर्तन में पिछले साल मौसम एकदम प्रतिकूल स्थिति बनी, इस बार तट परिवर्तन में नाव की पर्याप्त व्यवस्था थी शुरुआती दौर से, और अलग अलग स्थानों में सेवाधारी लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कि पिछले वर्ष हम लोगों ने जिन लोगों से संपर्क किया वही लोग थे, इस बार ऐसे चेहरे भी अलग अलग जगह पर व्यवस्थाओं में मिले, छाछ पिलाते हुए, चाय पिलाते हुए, नाश्ता कराते हुए, मतलब अब थोड़ी सी जागरूकता और लोगों में सारी चीज़ें आ रही है, अवेयरनेस कि किस तरीके से हम व्यवस्थाओं में और चीज़ें सुधारेंगे तो और आगे आगामी समय में ये यात्रा और बृहद रूप लेगी। धन्यवाद। अनुभव बहुत ज़्यादा अद्भुत है और एक हैरानी भी है कि हम लोग सबको अभी इस चीज़ का आभास हो रहा है, क्योंकि ये तो ये शांति और ये पूरा पथ तो हमेशा से रहा है बट हम जाग अभी रहे हैं, लेकिन ये एक जब जागो तब सवेरा, तो जब हम जागे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी जनरेशन बच्चे से लेकर बूढ़े तक
सब इस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं और एक शांति को बहुत नजदीक से महसूस कर रहे हैं। और आज तो अर्थ डे भी है, तो वाकई में हम अर्थ डे को एक सही तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और माँ से अपना जो रिश्ता है उसको और अच्छे से समझ रहे हैं। और मतलब गंदगी की भी बात की आपने, तो गंदगी देख के समझ आता है कि कितना ज्यादा हम उस रिश्ते को भूल चुके थे। तो ये एक अंदर से एक खुद को जगाने का भी समय है कि हम और अच्छे से और किस तरीके से इस रिश्ते को और अच्छे से निखार सकते हैं। और माता जिस तरीके से हमारी रक्षा करती है वैसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं।